प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। ग्रुप 17 कंटिन्यू था, 17 और 18 लास्ट हैं, तो मे भी आज अपना चैप्टर जो है पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रॉम टुमारो अपन स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप 17 में HCl हो गया, एक लास्ट टॉपिक रहता है इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड। व्हाट आर द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होता है कि जब कोई हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, नॉट विद सेम हैलोजन। अगर आपके पास जैसे आयोडीन है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है ना, या क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है, तो उस कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्स डैश। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंड एक्स डैश? एक्स क्या होगा, वो हैलोजन होगा जो लार्ज साइज का है, लार्ज साइज हैलोजन, और एक्स डैश क्या होता है आपके पास, स्मॉल साइज हैलोजन। और वी कैन से दैट कि जो लार्ज साइज हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या होगी, कम होगी, मीन्स वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और जो स्मॉल साइज हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या रहेगी, ज्यादा, है ना। तो एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, X का मतलब होता है लार्ज साइज हैलोजन और X डैश का मतलब होता है स्मॉल साइज हैलोजन। लाइक आपके पास फॉर्मूला आ गया CLF3, ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है बिकॉज बोथ द क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर हैलोजन। आपके पास आ गया IF5, आपके पास आ गया IF7, ये सारे के सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं बिकॉज यहाँ पे दोनों ही एटम जो है, दोनों ही एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या है, हैलोजन, ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऑल द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सॉरी रिएक्टिव देन हैलोजन। एक्सेप्शन क्या आ जाता है आपके पास, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा होता है, अगर आप बात करें ना जितने भी हैलोजन उसमें से, कि क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। क्लोरीन के बाद आपके पास क्या आता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बाद अपने पास क्या जाता है, जितने भी हैलोजन हैं वो। सर फ्लोरीन क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल, साइज स्मॉल है। आपको पता है फ्लोरीन के बीच, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे इस फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लोन पेयर में रिपल्शन होएगा, रिपल्शन होने के कारण रिपल्शन ज्यादा होएगा, तो आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, कम। और बॉन्ड एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो आपके पास जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो आपको पूछ रहे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं या कम रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से, तो फ्लोरीन से तो कम रिएक्टिव होंगे, बट हैलोजन से क्या रहता है, बाकी जो रिमेनिंग हैलोजन है लाइक आपके पास क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, इससे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। बिकॉज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में क्या रहता है, रिपल्शन लगता है, रिपल्शन के कारण से आपके पास बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब क्वेश्चन जो है वो जनरली यहाँ पे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है उसमें किससे आते हैं, उसमें आते हैं स्ट्रक्चर से। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जनरली वो आएंगे स्ट्रक्चर से, इनकी स्ट्रक्चर कौन सी है। आइए देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर के बारे में पता करते हैं अपन। स्ट्रक्चर के लिए बच्चों अपने को पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन।
अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नॉलेज है तो स्ट्रक्चर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर यही नहीं आता तो कभी स्ट्रक्चर नहीं आएगी, है ना। अगर हाइब्रिडाइजेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो स्ट्रक्चर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर ये नहीं आता तो स्ट्रक्चर कभी नहीं आएगी, तो कैसे होता है ना। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन की से पता कर सकते हैं कि सर कैसे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो वो एच वाला, एच इक्वल्स टू, अपन बात करेंगे सारे के सारे न्यूट्रल कंपाउंड की तो फॉर्मूला अपन इतना ही लिख लेते हैं, वी प्लस एम। कि सर व्हाट इज वी व्हाट इज एम, वी आपके पास होता है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। अब कईयों को दिक्कत होगी कि सर सेंट्रल एटम कौन सा होगा वो बता दो, सेंट्रल एटम कौन सा होगा तो वो भी बताएंगे। एम का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, कि आपके पास कितने मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ कि वैलेंसी कितनी है, प्लस वन है या माइनस वन, उससे फर्क नहीं पड़ता, वैलेंसी वन होनी चाहिए। टू हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, फोर हो जाएगी, उससे कुछ नहीं करना आपने, अपने को ही देखना है कि वैलेंसी कितनी, ठीक है। अब देखो कैसे देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास आ गया कि CLF3 में स्ट्रक्चर बताइए कि CLF3 की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा हो, तो जो नंबर में कम हो वो सेंट्रल एटम हो। CLF3 इज ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बिकॉज इसमें दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो उसको पॉली एटॉमिक कहेंगे। अब इसमें Cl सेंट्रल एटम है ये कैसे पता चला, बिकॉज Cl जो है वो आपके पास लेस इन नंबर है, फ्लोरीन जो है वो सराउंडिंग में रहता है। अब जितने भी हैलोजन हैं उन हैलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो आपको पता ही है, वो क्या होता है NS2 और NP5, NS2 NP5, यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, सेवन। यानी कि कोई भी हैलोजन हो उसके लिए V की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेवन रहेगी। V मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे मोनो एटॉमिक कितने हैं, कि सर मोनो एटॉमिक थ्री है बिकॉज फ्लोरीन की वैलेंसी माइनस वन होती है, तो H की वैल्यू क्या आई आपके पास कि वन बाई टू सेवन प्लस थ्री, यानी कि H इक्वल्स टू वन बाई टू मल्टीप्लाई किससे करोगे, टेन से, तो H की वैल्यू क्या आएगी, फाइव। H की वैल्यू क्या आएगी, फाइव। और यहाँ पे अपने को ये भी पता होना चाहिए कि अगर H की वैल्यू टू है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, थ्री है तो कौन सा होगा, फोर है तो कौन सा होगा, फाइव है तो कौन सा होगा, सिक्स है तो कौन सा होगा, और सेवन है तो कौन सा होगा। अगर आपके पास टू हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp, थ्री हो तो क्या रहता है sp2, फोर होता है तो क्या रहता है sp3, फाइव हो तो क्या रहता है sp3d, सिक्स हो तो क्या रहता है sp3d2, सेवन हो तो क्या रहता है sp3d3, ये आपके पास वैल्यू रहती है sp, है ना। अब अपने को पता होना चाहिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में, sp हो तो क्या रहता है आपके पास, लीनियर, sp2 हो तो क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर, sp हो तो क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 हो तो क्या रहता है बच्चों, टेट्राहेड्रल, sp3d हो तो आपके पास क्या रहता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। और सिक्स हो तो क्या रहता है, ऑक्टाहेड्रल, और सेवन हो तो आपके पास क्या रहता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ये अपने को पता होना चाहिए, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, एंड आपके पास क्या आएगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि CLF3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, H की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, फाइव, H की वैल्यू फाइव हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, कि सर वो होगा sp3d, मैंने कहा ओके। स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कैसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को, ये आपके पास आएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यहां पे आएगा कौन, Cl, ये एक बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, ये फोर्थ बॉन्ड, सॉरी
ये आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, अब अपने को ये ध्यान में रखना है कि आपके पास एच की वैल्यू कितनी है और कितने फ्लोरीन बॉन्डेड है। तो सर एच की वैल्यू 5 है, एच की वैल्यू 5 है तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, लॉन पेयर। लॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ एच माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं आपके पास, 3। एच की वैल्यू कितनी है, 5, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, तो लॉन पेयर कितने आ जाएंगे आपके पास, 2। तो एक फ्लोरीन जो है वो आपके पास यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन आपके पास यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन आपके पास यहाँ आएगा, यहाँ आपके पास लॉन पेयर, यहाँ आपके पास लॉन पेयर, और इस शेप को अपन कौन सी शेप कहते हैं, टी शेप है ना। तो आप इससे क्या कर सकते हो कि कोई भी आपके पास कंपाउंड हो, ये बात नहीं कि इंटर एलोजन कंपाउंड हो तो ही, अगर आपके पास कोई जिनोन के भी कंपाउंड आ जाए तो भी आप क्या कर सकते हो, इससे उनकी ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हो कि कौन सी ज्योमेट्री होगी। सीएल तो खुद सेंट्रल एटम हो गया, तो सीएल को मोनोवेलेंट में कैसे लेंगे, सेंट्रल एटम को ये नहीं देखेंगे कि मोनोवेलेंट है कि बायवेलेंट है, अपन देखेंगे सराउंडिंग वाले क्या है, मोनोवेलेंट है, बायवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है। तो अपने को कंसिडर किसको करना है, ओनली एंड ओनली मोनोवेलेंट। क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इंटर एलोजन कंपाउंड को खत्म करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इंटर एलोजन कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में। आपके पास जैसे आ गया IF5, इसमें आपको ये बताना है कि इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे अपना टर्म वन रहने वाला है, तो स्ट्रक्चर पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। 10 मार्क्स का पीरियोडिक पी ब्लॉक का एलिमेंट चैप्टर वन, 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स में तो आप देख सकते हो कि 10 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे, है ना। चलिए देखते हैं इसमें IF5 में सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। कितने हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 7। एच की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एच इक्वल्स टू 1/2 7+5, एच इक्वल्स टू कितना हो गया, एच इक्वल्स टू आपके पास 6 हो गया। एच की वैल्यू अगर 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2। अब एक बात बताओ, अपने को लॉन पेयर फाइंड आउट करने की, नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने होंगे, तो देखो एच की वैल्यू माइनस आपके पास क्या आएगा, कितने फ्लोरीन है के सर, 5 है। एच की वैल्यू देख लो, माइनस कितने फ्लोरीन जुड़े हुए, सेंट्रल एटम से कितने दूसरे एलिमेंट बॉन्डेड है उनके नंबर ले लें, तो एच की वैल्यू आपके पास कितनी है के सर, 6 है। माइनस 5 करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। अब sp3d2 में स्ट्रक्चर कौन सी रहती है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहती तो यूं बनाएंगे इसको, यहां पे आपके पास क्या आएगा, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, एक आपके पास यहां पर लॉन्ग, ये IF5 की स्ट्रक्चर होगी। इसको कहेंगे स्क्वायर प्लेनर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड ना। अगर यूं होता कि वहां पे भी फ्लोरीन लगा होता जैसे एसएफ6 में होता है, तो आपके पास ये इसको ऑक्टाहेड्रल कह देते या स्क्वायर बाय पिरामिड, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिड, इसको स्क्वायर प्लेनर पिरामिड कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रुप 18, ग्रुप 18 में आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस प्रेजेंट होती है ग्रुप 18 में। और यहाँ पे इनका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या रहता है, NH2 NP6,
यानी कि इनका ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट टेंडेंसी होती है कि किसी के साथ रिएक्शन ना करे। और अगर इनके एटॉमिक साइज की बात करें अपने पीरियड में इनका एटॉमिक साइज मैक्सिमम होता है बिकॉज इनमें वॉन्डरवॉल रेडियस प्रेजेंट होती है एंड वॉन्डरवॉल रेडियस इज द टू टाइम्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉन्डरवॉल रेडियस इनका जो साइज है वो अपने पीरियड में क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। ठीक है, और बात करें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, उसका रीजन क्या है, बिकॉज इनका इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इनर्ट सॉरी ऑक्टेट इनका क्या है आपके पास कंप्लीट है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, बहुत कम रहती है। अगर इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो जीरो होती है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे ही नहीं। आप अंबानी को कहोगे कि 50 रुपये मैं तेरे को उधार देता हूँ तो वो लेगा क्या आप लोगों से, नहीं लेगा, है ना। अपने को कोई कहते 10 रुपये ले तो दे देते हैं ना, तो वो वाली बात है। अब इसको चाहिए नहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा क्यों, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो एनर्जी बाहर रिलीज नहीं करेगा, और अगर एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो ईए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या रहती है आपके पास, जीरो। अब देखो यहाँ पे कुछ कंपाउंड प्रेजेंट है, वो किसके प्रेजेंट है, जीनोन के। एक साइंटिस्ट था आपके पास नील बार्टलेट, उसने क्या करा, जीनोन के कंपाउंड यानी कि जीनोन के फ्लोराइड और जीनोन के ऑक्सी फ्लोराइड की डिस्कवरी करी। उसने क्या करा, जीनोन को इतनी एनर्जी दी कि फाइनली उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब वो जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल थी, थर्ड आयनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल थी, यानी कि ऑक्सीजन के एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है उससे जीनोन का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता और वो किसका फॉर्मेशन करेगा, कैटायन का। तो वो कैटायन का फॉर्मेशन करेगा तो रिएक्शन किसके साथ करेगा, कि वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो जीनोन जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और फ्लोराइड और ऑक्साइड का फॉर्मेशन।